Bite of Joy में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद. For English, please follow written instructions. आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट पॉट में दाल गोश्त. और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. तो सबसे पहले हम अपने इंस्टेंट पॉट में दाल चढ़ा देंगे. तो दाल बनाने के लिए जिन दालों की हमें ज़रूरत है वो कुछ यूँ हैं: आधा कप लाल मसूर दाल, एक चौथाई कप मूंग दाल और एक चौथाई कप चना दाल. तो तमाम दालों को आप मिक्स कर लें और इसे पानी से अच्छी तरह से तकरीबन 3 दफ़ा धो लें. और धोने के बाद हम दालों को साइड पर रख देंगे. दाल गोश्त बना रहे हैं तो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है मटन. तो यहाँ पे हमने 1 पाउंड के करीब ये गोश्त ले लिया था. तो इसे आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें और धो लें और इसे भी साइड पर रख दें. तो अब हम आते हैं हमारे इंस्टेंट पॉट की तरफ. तो इसमें आपने सॉटे मोड जो है वो ऑन कर देना है और पॉट के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब तेल. और बस तेल के अंदर हम डालेंगे जो हमने गोश्त धो के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे. और गोश्त को जो है आपने इस तेल में अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता. तो इस प्रोसेस को तकरीबन 2 से 3 मिनट आराम से लग जाएंगे. अच्छा, चमचा आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है ताकि गोश्त जो है वो आपका नीचे चिपके नहीं. तो इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 2 हरी मिर्चें. तो ये भी आप इसमें डाल दें और इसे भी हमने हिलाते रहेंगे 2-3 मिनट. आपने फिर इसे हिलाते रहना है ताकि मसाला भी जो है वो इसमें अच्छी तरह से भुन जाए. तो किसी भी रेसिपी में आप जब भी गोश्त इस्तेमाल करें तो इसे भूनना बहुत ज़रूरी होता है. तो इससे क्या होता है कि गोश्त का जो कच्चापन होता है और जो मखसूस इसकी स्मेल होती है वो निकल जाती है. तो गोश्त को आप ज़रूर पहले भुनेंगे और फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे. तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 बड़े टमाटर जो 1 पाउंड के करीब हैं, 1 छोटी प्याज बारीक कट करके वो इसमें डाल दी थी, 1.5 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और तमाम दालें जो हमने धो के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे. और तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अच्छी तरह से हिला लें. और ध्यान रखें कि नीचे आपका किसी किस्म की भी चीज़ चिपकी ना हो, वरना ये होगा कि जब आप इसे सील करके पकाने रखेंगे तो ये आपका बर्न का जो मोड है और बर्न सिग्नल जो है वो ऑन हो जाएगा. तो मेक श्योर करें जब भी आप इंस्टेंट पॉट में कुक करें या जब भी इसे कोई भी चीज़ सॉटे करें इसमें तो नीचे कोई चीज़ चिपकी भी नहीं होनी चाहिए. तो ढकना बंद करने से पहले हमने इसमें 2 ग्लास पानी के भी शामिल कर दिए थे और इसे भी आप अच्छे से हिला लें. फिर ढकना बंद करेंगे, इसे हम सील करेंगे. सॉटे का जो मोड था उसे आप कैंसिल करें और मीट एंड स्टू का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे. तो ये 40 मिनट्स का ऑप्शन आता है और ये है कि कीप वार्म का जो बटन है वो आप इसे ऑफ कर दें तो ये दाल जो है अब आपकी ये पकनी तैयार हो जाएगी. तो जब तक हमारी दाल पक के तैयार हो रही है हम तड़के की तैयारी शुरू करेंगे. उसकी तमाम चीज़ें इकट्ठा करके साइड पर रख देंगे. तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 टेबलस्पून के करीब तेल. यहाँ पर हमने ले लिए हैं तकरीबन 10 से 15 कड़ी पत्ते, 6 से 8 अदद सूखी हुई लाल मिर्च और 6 से 7 गार्लिक लहसुन लेंगे. इसे भी आप थोड़ा बारीक कट कर लें, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा और 1 छोटी चम्मच पेपरिका पाउडर. तो ये तमाम चीज़ें हो गई आपकी तड़के की तैयारी. साथ ही में हम इसमें डालेंगे इमली का कॉन्सेंट्रेट. तो ये इमली का पानी अगर अवेलेबल हो या इमली आपके पास है तो उसका पानी निकाल लें तो वो भी आप दाल में डाल सकते हैं. तो दाल जब आपकी पक के तैयार हो जाए तो आप इसकी पहले स्टीम रिलीज़ कर लें और फिर ढकना खोलेंगे तो ये देखें ज़बरदस्त सी या दाल जो है आपकी पक के तैयार है. तो इसमें आपने जो चमचा है 1-2 मिनट आप इसे चलाएंगे तो तमाम जो प्याज और टमाटर आपको ऊपर नज़र आ रही थी वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी और जो दाल भी है वो आपकी अच्छे से पक चुकी है. तो एक अच्छा सा ये स्मूथ पेस्ट बन जाएगा. तो इसमें हमने डाली है ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प जो डाला है. तो इसका कलर जो है वो काफ़ी ख़तरनाक था. तो ये इमली ये जो दाल का कलर है ये हमारा थोड़ा सा डार्क हो गया है लेकिन कोई मसला नहीं है. और बस इसमें हमने थोड़ा सा पेपरिका पाउडर छिड़क दिया था. फिर एक फ्राइंग पैन में हमने तेल गरम किया, इसमें डाले हमने लहसुन और ज़ीरा. और ज़ीरा बस आपका जब ये क्रैकल होना थोड़ा सा शुरू हो गया तो इसमें हमने जो है हमारे कड़ी पत्ते और सूखी हुई लाल मिर्च थी वो भी इसमें डाल दी. बस थोड़ी देर आप इसको चलाएँ, 1-2 मिनट ही चलाना है और इसे आप डाल दें दाल के ऊपर. ये देखें ज़बरदस्त तरीन और ये बेहतरीन किस्म की दाल आपकी बन के तैयार है. इसे आप फ्रेश रोटी के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें. और इसे हमने सर्व किया था ये घर की बनी हुई हरे भरे मिर्चों के साथ. तो ये मिर्चें भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे और इसकी रेसिपी हम आपको दे चुके हैं. ये हमारे YouTube चैनल पे पहले ही मौजूद है,
इसका डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको इसका लिंक दे देंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं, और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।